हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, आज की हमारी रेसिपी है ढाबा स्टाइल पनीर भुर्जी। बहुत ही आसान रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची को बारीक बारीक काट लेंगे। ये देखिए, मैंने ले लिया एक पैन, उसमें डाल दिया है 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल। आप चाहें तो देसी घी का भी यूज कर सकते हैं। इसमें डाल दिया है 2 बड़े चम्मच बटर। बटर जैसे मेल्ट हो उसमें हम डालेंगे बेसन। सबसे पहले हम बेसन की भुनाई कर लेंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इसका, ठीक है। तो बेसन को हम बिल्कुल लो फ्लेम पे आराम से हम भून लेंगे, जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो और भुनने की खुशबू ना आ जाए, ठीक है। ये देखिए, बेसन हमारा भुन चुका है। अब ले लेंगे दूसरा पैन, उसमें डाल देंगे ऑयल, मस्टर्ड ऑयल 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें डाल देंगे बटर, 2 टेबलस्पून बटर भी जाएगी इसमें, तो इसके अंदर घी और बटर का बहुत यूज होता है, तो इसमें बिल्कुल कंजूसी ना करें, ठीक है। अब इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून जीरा। जीरे में जैसे ही चटकने की आवाज आएगी, इसके अंदर कटी हुई प्याज हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अभी क्या करना है, इसकी हमें थोड़ी सी भुनाई करनी है, इसमें कलर इसका चेंज नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। जैसे ही थोड़ा सा प्याज आपका सॉफ्ट हो जाएगा, इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और इसमें हम थोड़ा सा अदरक भी हम इसमें ग्रेट करके डाल देंगे। देखिए, आप चाहें तो अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अगर आप पेस्ट डालेंगे तो 1 टीस्पून आप दोनों का पेस्ट मिला के डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर 1/2 टीस्पून घिस के डाला है अदरक, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसमें बहुत ही बेसिक से मसाले डालेंगे, जैसे हल्दी 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, जितना आपको तीखा पसंद है उसके हिसाब से आप मिर्ची की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम हल्का सा भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, और उसमें हम डाल देंगे लहसुन। इसमें मैंने 2 लहसुन की कलियां घिस के डाल दी हैं। अब इसमें डाल दिया है टमाटर, जो टमाटर हमने पहले से काट के रखा हुआ था, इसके अंदर ऐड करेंगे और फ्लेम अपना मीडियम रखेंगे। आराम से इसको हम भूनेंगे जब तक कि टमाटर हमारा गल ना जाए। अब हम थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे और ढक कर 2 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। आप देख सकते हैं 2 मिनट के बाद कैसे हमारे टमाटर बिल्कुल अच्छी तरीके से गल चुका है। मसाले की कर लें अच्छे से भुनाई। अब हम इसमें डाल देंगे बेसन, जो हमने पहले से भून के रखा था। बेसन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है पनीर भुर्जी के अंदर, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप कई बार अपने पनीर भुर्जी बनाई होगी, उसमें पानी और पनीर दोनों अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, तो बेसन जो है उन दोनों को अच्छे से बांध के रखेगा और अच्छा सा एक स्मूथ टेक्सचर भी देगा, टेस्ट भी देगा और बाइंडिंग भी देगा, ठीक है। तो अभी इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इसको हम 2 से 3 मिनट तक के लिए थोड़ा भुनाई इसकी करेंगे, थोड़ा चलाते रहेंगे, कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे इसको। इस रेसिपी में बटर हमने बहुत यूज किया है, तो नमक डालते हुए आप ध्यान रखना कि ज्यादा नमक ना हो जाए, ठीक है। तो ये देखिए कितना क्रीमी क्रीमी सा अभी से इसका टेक्सचर हो गया है। मसाला बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें डाल देंगे पनीर। पनीर मैंने 300 ग्राम लिया है, तो आप जितनी क्वांटिटी का बना रहे हैं उसके हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो चाहे तो आप इसको क्रम्बल करके तोड़ के भी इसके अंदर ऐड कर दे, या इसको घिस के डाल दे इसके अंदर, ये टोटल आपके ऊपर है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा करेंगे मिक्स। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे फ्रेश धनिया की पत्ती, ढेर सारी आप धनिया की पत्ती इसके अंदर ऐड कर दे। अब हम इसमें, आप इसकी थिकनेस देख लेंगे कितनी ज्यादा इसकी थिकनेस है, बहुत ज्यादा आपको ये गाढ़ा लगे तो इसमें थोड़ा पानी भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं इस स्टेज पे। इसको हम कंटिन्यू लो फ्लेम पे चलाते रहेंगे एंड लास्ट में इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी पनीर मसाला। ये बहुत ही ज़रूरी है, या आप इस स्टेज पे पनीर मसाला डाल दें, या अगर आपके पास पिसा हुआ गरम मसाला है तो वो आप इसके अंदर डाल दें। तो थिकनेस आप इसकी चेक करें, अगर ज़रूरत लगे तो पानी ऐड करें, आप इसमें गरम पानी ऐड करना, ठीक है। और कंटिन्यू उसको चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक आप इसे पका लें
और इसमें हम थोड़ा सा कस्तूरी मेथी भी ऐड करेंगे। अगर आपके पास है तो आप इसमें ज़रूर ज़रूर डालें, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, टोटल ऑप्शनल है। ये देखिए हमारा पनीर बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। आप इसे पराठे के साथ, नान कुलचा के साथ और ब्रेड के साथ आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।